है अभी आज के जो भंडारे है उसमें पालक की भाजी, दाल भाजी है और साथ में ये देख रहे हैं आप अद्भुत कितना विशाल भंडारा, गुलाब जामुन भी आज की जो शिव महापुराण कथाओं में जो भंडारा होता है, जो प्रसादालय बनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो सामने में आप देख रहे हैं पंडाल और पंडाल के पीछे में भोजन प्रसादी की व्यवस्था और जो 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के लिए जो भोजन बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। ये अन्नपूर्णा रसोई आप देख रहे हैं जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए खाना बनकर तैयार होता है और सुबह शाम इसी प्रकार से यहाँ पर बड़े ही प्रेम भाव से शिव भक्तों के लिए, जो बाहर से जितने भी शिव भक्त आए हैं उनके लिए यहाँ पर प्रसादी तैयार होती है। तो ये नागपुर शिव महापुराण की विशाल रसोई देख रहे हैं आप, जहाँ पर पातड़ भाजी और भंडारे की तैयारी चल रही है। अभी आज के जो भंडारे है उसमें पालक की भाजी, दाल भाजी है और साथ में ये देख रहे हैं आप अद्भुत कितना विशाल भंडारा, गुलाब जामुन भी आज की जो शिव महापुराण कथाओं में जो भंडारा होता है, जो प्रसादालय बनाया गया है वहाँ पर आपको पालक भाजी के साथ में पुलाव, जीरा राइस और पूड़ी और उसके साथ गुलाब जामुन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है इसमें भंडारे में। और ये बड़ा ही अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं। अभी कथा शुरू होने में लगभग 2-3 घंटे का समय है, 10:30 बज रहा है, 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और उस साइड में वहाँ पर आप देख रहे हैं भंडारा अभी शुरू है सुबह का, जो नाश्ता होता है मॉर्निंग में जो नाश्ता होता है, तो ये प्रसाद आलय में आप देख रहे हैं नाश्ता यहाँ पर शुरू है। नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी, पोहा, चाय। ये आप देख रहे हैं आज सुबह नाश्ते में यहाँ पर जिन लोगों का उपवास है उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी और जिनका उपवास नहीं है उन लोगों के लिए पोहे की व्यवस्था है और साथ में चाय भी इसी के आगे में यहाँ पर आज के भंडारे में, सुबह के भंडारे में आप देख पा रहे हैं। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड में जो अब आगे जो यहाँ पर भंडारा होगा उसके लिए कथा के बाद में उसके लिए तैयारी शुरू है, जिसमें 25,000 लोगों के लिए ये भंडारा रोज प्रतिदिन यहाँ पर नागपुर शिव महापुराण कथा में बनता है और लोग इसको ग्रहण करते हैं। तो ये अभी सुबह का आप देख रहे हैं, सुबह 10 बजे नाश्ता चल रहा है बढ़िया, साबूदाने की खिचड़ी। और पोहा, चाय। और ये व्यवस्था देख रहे हैं आप कितनी शानदार है, किसी प्रकार की अस्त व्यस्त नहीं है और बढ़िया तरीके से हर कोई यहाँ पर प्रसाद भोजन भंडारा पा रहे हैं। और वो पीछे में उस साइड में आप देख रहे हैं वो कथा पंडाल बना हुआ है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नागपुर शिव महापुराण की वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे आप जरूर देखें, और भी कई सारी वीडियोस डली है तो उनका दर्शन जरूर करें और भंडारे में आने के बाद गुलाब जामुन जरूर खाएं, मुंह मीठा जरूर करें, प्रसाद जरूर ग्रहण करें। जय श्री महाकाल।